चलती ट्रेन में हुई महिला की डिलीवरी, दिया बेटे को जन्म। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर इमरजेंसी डॉक्टर ने चेक कर बताया कि माँ और बेटे दोनों स्वस्थ हैं। दोनों को सड़क अस्पताल भिजवाया है। भोपाल से दाहोद जा रही ट्रेन के पैसेंजर डिब्बे में सवार एक प्रसूता महिला की ट्रेन में ही डिलीवरी होगी। ट्रेन के उज्जैन रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद महिला को प्राथमिक उपचार देकर चरक अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में मां और बेटा दोनों स्वस्थ हैं। गुरुवार को भोपाल से दाहोद तक चलने वाली ट्रेन क्रमांक 19340 में सवार एक प्रसूता महिला की डिलीवरी ट्रेन में ही होगी। महिला के साथ आ रही मंजू नामक महिला ने बताया कि प्रसूता और वो स्वयं ट्रेन में सवार होकर ग्राम बेड़सा से उज्जैन आ रही थी। प्रसूता सुनीता पति जगदीश निवासी ब्यावरा को ट्रेन में दर्द हुआ और इसके बाद महिला ने एक नवजात शिशु पुत्र को जन्म दिया। महिला की ट्रेन में डिलीवरी होने की जानकारी उज्जैन रेलवे स्टेशन पर 4 नंबर प्लेटफार्म पर मिली तो जीआरपी पुलिस के कांस्टेबल अशोक पाल ने रेलवे के चिकित्सा विभाग की टीम को सूचना दी। इसके बाद इमरजेंसी टीम के डॉक्टर उमेश राय और अन्य सहकर्मियों ने महिला को प्राथमिक उपचार के बाद एम्बुलेंस से चरक अस्पताल पहुंचा दिया। डॉक्टर राय ने बताया कि महिला और नवजात शिशु दोनों स्वस्थ हैं। ये ट्रेन में हुई सर। क्या नाम है, कहाँ से आ रहे थे? क्या नाम? ये बेरचा से आ रहे थे। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या नाम? ये ब्यावरा रहने वाले। क्या नाम है इनका? सुनीता भाई। पति का नाम? पति का जगदीश। किस प्रकार का मेडिकल आपको मिला है यहाँ पर? यहाँ पर एक महिला थी जो ट्रेन में आ रही थी। डिप्टी एसएस द्वारा मेरे को फ़ोन पे सूचना दी गई तो मैं और मेरे स्टाफ के साथ आया, उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया, उसका कॉर्ड क्लैंप करके कट किया और उसको अभी हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिया। एक लेडीज मेरे पास में आई थी, हेल्प कर दो, तो मैंने हेल्प करी है। लेडीज को बच्चा वगैरह, मैंने हेल्प एम्बुलेंस बुलाई और डॉक्टर साहब को बुलाया, रेलवे डॉक्टर को बुला के हेल्प करने से करी है।